ये जिस तरह का यहाँ पे आयोजन किया है, यूनाइटेड वर्ल्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन है एशिया की, यहाँ पे हिंदुस्तान के हर क्षेत्र से, चाहे वो साउथ हो चाहे नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट हो, वहां से लोगों को बुलाया गया, बच्चों को बुलाया गया। आई थिंक ये बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है, जहां पे अब अलग अलग शहरों से आते हैं, अलग अलग छोटे छोटे शहरों से दिल्ली जैसी जगह में आके परफॉर्म करते हैं, अपनी स्किल को दिखाते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा है और मैं बहुत अपने आप को, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने बड़े टैलेंट के सामने मुझे बैठने का मौका मिलता है। सर, आपने कहा है कि फ्यूचर में बच्चों को मौका देंगे, किस तरह का मौका देंगे? जिस तरह में भी अगर कैपेबिलिटी हो, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ वो मार्शल आर्ट्स नहीं है, वो एक्शन नहीं है, अगर किसी इंसान को मदद की जरूरत है, चाहे वो अगर बहुत टैलेंटेड एडिटर हो, कैमरामैन हो, और उन्हें क्षमता है, उन्हें क्वालिफिकेशन है, तो क्यों नहीं मदद करेंगे। मैं मार्शल आर्टिस्ट की हमेशा इज्जत करता हूं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने शिद्दत से काम किया होता है, चाहे वो कला हो, फ्यूचर चाहे उसमें उनको लगे हो ना हो, मगर ये डिसिप्लिन ऐसा ला देता है कि आपको हर चीज में सक्सेसफुल करेगा। सो आई थिंक दिस इज अमेजिंग।